Assalamu alaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia. बेटा आज की पर्टिकुलर क्लास के अंदर हम समझेंगे रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है. ना सिर्फ हम लोग इस बात को डिस्कस कर रहे होंगे कि रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है या कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, बल्कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंट फंक्शंस भी समझेंगे. फॉर एग्जांपल एडिशन कैसे होती है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है, डिविजन कैसे होती है, या फिर फेमस प्रॉपर्टीज कौन सी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की. तो आज की क्लास इस पूरी चीज के ऊपर डिपेंड कर रही होगी और एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा जिसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के पास्ट पेपर बेस्ड क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवा रहा हूंगा. तो भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर जो चीज हमारे पास यहां पे आती है वो ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है. तो जो कल की क्लास थी उसको मैंने इसी जगह पे खत्म किया था, तो आज की क्लास मैं इसी जगह से स्टार्ट करूंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है. मैंने कल की क्लास के अंदर इसका थोड़ा सा आप लोगों को बुनियादी सी बात बताई थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है. मेरा बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली हमें उस सूरत में मिलता है या कॉम्प्लेक्स नंबर दुनिया में एक ऐसी चीज होती है जिसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आ रहा हो. यानी कि कभी भी अगर आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आपस में एड या सबट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाएं तो उस सूरत के अंदर जो एक नई चीज फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर. सो बेसिकली द कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. कॉम्प्लेक्स नंबर को जो हम डिनोट करवाते हैं इत्तफाक से इसको जेड से डिनोट करवाया जाता है. किससे डिनोट करवाते हैं? जेड से. भाई जेड यानी कि ये सिंपल जेड से डिनोट करवाते हैं. मेरे जेड बनाने का तरीका थोड़ा यूनिक होता है तो काइंडली इस बात को बर्दाश्त करिएगा. अच्छा तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिनोशन कैसे होती है भाई? जेड के सिंपल से होती है. तो मेरा बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? आपके पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का आना, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का आना. भाई रियल पार्ट का मतलब क्या होता है? कल मैंने आपको बताया था वो तमाम के तमाम नंबर्स जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं सारे के सारे रियल पार्ट होती हैं, या फिर आसान भाषा के अंदर वो नंबर्स जिनके साथ आयोटा नहीं होता उनको हम रियल पार्ट कहते हैं. और इमेजिनरी पार्ट क्या होती है? वो तमाम नंबर्स जिनके साथ ये आयोटा का सिंबल होता है. मैंने कल की क्लास जब खत्म करी थी उसके अंदर ही आयोटा को मैंने एक्सप्लेन करा था कि भाई इस आई को हम क्या कहते हैं? आयोटा कहते हैं. आयोटा बेसिकली बराबर होता है किसके? रूट अंडर रूट माइनस वन के. और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है किसके? सिंपल नेगेटिव वन के. तो जल्दी से मैंने अभी तक क्या बात करी आपको रिपीट कर देता हूं कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है आपके पास कभी भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन हो जाए तो जो चीज फॉर्म होती है उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं. रियल पार्ट क्या होता है? वो पार्ट जिसके साथ आयोटा नहीं है, वो पार्ट जो एक रियल नंबर है, वो टर्म जो कि इस दुनिया में सिंपली एग्जिस्ट करती है. और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? वो पार्ट जिसके साथ आयोटा आ रहा होता है उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं. तो आपको सबसे पहले नंबर के ऊपर तो ये बेसिक फर्क मालूम होना चाहिए, रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है. अगर ये फर्क मालूम होगा तभी आप कुछ कर सकते हो मेरा बेटा, वरना कुछ भी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. क्लियर है यहां तक की बात तमाम बच्चों को? आई होप क्लियर होगी सबको यहां तक की बात. अब आपको कुछ बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए. अच्छा अब ये बेसिक चीजें क्या होती हैं जल्दी से मैं इनको भी डिस्कस कर लेता हूं कि भाई देखो अब आपको सबसे पहले नंबर के ऊपर एक बड़ी बुनियादी सी बात मालूम होनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में डेफिनेशन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है. तो मेरा बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या होती है मैथ्स की टर्म के अंदर, इसको मैं लिख देता हूं कि जेड सच डेट जेड, जेड सच डेट जेड इक्वल टू ए प्लस का बी आयोटा, where a and b
बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। क्या कहा मैंने कि भाई आपके पास दुनिया में कॉम्प्लेक्स नंबर की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है, कैसे पढ़ते थे, इसको मैंने लास्ट क्लास में समझा चुका हूं कि जेड सच डेट जेड इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल पार्ट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए जेड इज इक्वल टू टू माइनस का थ्री आयोटा, तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई बताओ उसके अंदर से रियल पार्ट कौन सा है, तो ये जो टू आ रहा है जिसके साथ आयोटा नहीं है ये रियल पार्ट कंसीडर होगा, और जिस टर्म के साथ आयोटा होता है इसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। है तो ये भी रियल नंबर मगर चूंकि इसके साथ आयोटा आ रहा है तो ये इमेजिनरी टर्म बन जाएगा, सही है। इसी तरीके से लेट सपोज अगर आपके पास आ जाए माइनस का फाइव माइनस का फोर आयोटा, तो भाई इसमें रियल पार्ट कौन सा है आपका, रियल पार्ट है आपका माइनस का फाइव, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है मेरा बेटा, इमेजिनरी पार्ट है माइनस का फोर। क्लियर है मेरा बच्चा, ये सबसे बुनियादी चीज है जो हर बच्चे को मालूम होनी चाहिए कम अज कम। और ये नेक्स्ट टॉपिक कहलाता है हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर का। किस चीज का टॉपिक कहलाता है, ऑर्डर्ड पेयर का, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑर्डर्ड पेयर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक अगर आप समझना चाहते हो तो आपको एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर देखना पड़ेगा। लेट सपोज आपके पास एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है थ्री प्लस टू आयोटा, अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ इसकी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म क्या होगी, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म बेसिकली वो फॉर्म होती है जिसके अंदर से मैं आयोटा का सिंबल गायब कर दूं और अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को ब्रैकेट की फॉर्म में लिख दूं। तो मेरा बेटा ब्रैकेट की फॉर्म में पहले रियल पार्ट आएगा फिर कॉमा आता है, तो बीच में जो भी साइन होगा वो हट जाएगा, अगर प्लस होगा तो ऑब्वियसली प्लस नहीं लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस तो लिखते हैं, तो कॉमे के बाद फिर इमेजनरी पार्ट आ जाएगा। तो ये थ्री प्लस टू आयोटा की ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म क्या होगी, थ्री कॉमा टू। बात को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं एक और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ जाए फोर माइनस का टू आयोटा, अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ इसका ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म क्या होगी, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म क्या होती है पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म ये होती है कि आपने सिंपल तरीके से अपने रियल पार्ट को पहले लिखना है, कॉमा डालना है, फिर जो भी इमेजनरी पार्ट आ रहा है आयोटा के बगैर लिखा जाएगा, जो भी इमेजनरी पार्ट आ रहा है आयोटा के बगैर लिखा जाएगा। तो बेसिकली 4 माइनस 2 आयोटा की ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म क्या होगी, 4 कॉमा माइनस 2 होगी। क्या होगी मेरा बेटा, 4 कॉमा माइनस 2 होगी, सिंपल सी बात है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं आपके सामने एक ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म लिखूं, ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है माइनस थ्री कॉमा माइनस टू, अगर मैं आपके सामने क्या करता हूं एक ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर लिख देता हूं और आपसे कहता हूं कि बताओ इसकी ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, यानी कि अब मैं आपसे उल्टा काम कर रहा हूं, तो भाई कान को इधर से पकड़ो, कान पकड़ना ही कान पकड़ना होता है, यानी कि अब की बारी में मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म दे रहा हूं, बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है भाई, सिंपल तरीके से आप इस ब्रैकेट को ओपन करवा दोगे, क्या बन जाएगा माइनस का थ्री, और कॉमा गायब हो जाएगा तो दूसरी बारी टर्म के साथ आयोटा आ जाएगा। तो इस नंबर को, इस पर्टिकुलर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे भाई। तो भाई ऑर्डर्ड पेयर का जो कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली बड़े मजे का होता है कि आपने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को सिर्फ ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके लिखना होता है, और क्लोज करके लिखना बहुत ही आसान सा काम है। अच्छा, मैं इसकी एग्जाम्पल दिखाता हूँ भैया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं, अल्लाह भला करे, क्या कहूं मैं आपसे कि आपके पास आ रहा है, लेट सपोज आपके पास आ रहा है टू आयोटा माइनस का थ्री, मैं आपसे कहता हूं कि बताओ इसकी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म क्या होगी, मैं आपसे क्या कहता हूं कि भाई बताओ जरा मुझे टू आयोटा माइनस थ्री की ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म क्या होगी। अब बहुत सारे बच्चे पता है क्या करेंगे, वो बोलेंगे सर ये होगी टू कॉमा माइनस थ्री। बिल्कुल गलत मेरा बेटा, हमेशा पहले रियल पार्ट आएगा फिर कॉमा आएगा फिर आपके पास इमेजिनरी पार्ट आता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। तो अगर आप अपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखो, इसमें आपको रियल पार्ट बाद में गिवन है और इमेजिनरी पार्ट पहले गिवन है, एग्जामिनर ने चालाकी करी हुई है। हमेशा याद रखिएगा रियल पार्ट पहले लिखा जाता है उसके बाद आपका इमेजिनरी पार्ट आता है। तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म क्या होगी, माइनस थ्री कॉमा टू, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म क्या होगी, माइनस थ्री कॉमा टू। क्लियर है मेरा बच्चा, किसी भी बच्चे को इस छोटे से कॉन्सेप्ट में कोई भी मसला तो जल्दी से मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा भाई, अगर ये बात आपको क्लियर होती है तो हमें एक और चीज समझनी पड़ेगी कि भाई आयोटा क्या होता है। मेरा बेटा आयोटा की वैल्यू बराबर होती है किसके, अंडर रूट में माइनस वन के। तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है सिंपल नेगेटिव वन के। अब हमारे पास कई तरह के एमसीक्यूज एग्जिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कई दफा ये एमसीक्यूज नस साइट पे, फास्ट साइट पे, आईबीए साइट पे, एनईडी साइट पे पूछा जा चुका है, आयोटा क्यूब की वैल्यू पूछी हुई थी। अब बच्चा पता नहीं क्यों नहीं निकाल पाता, हालांकि बहुत ही आसान चीज है।
हमेशा याद रखें, कभी भी आयोटा के ऊपर हायर पावर आ रही हो, कभी भी आयोटा पे हायर पावर आ रही हो, वी ऑलवेज ट्राई टू मेक इट एन आयोटा स्क्वायर। इस जुमले को हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आयोटा के ऊपर अगर हायर पावर होगी, हम हमेशा उसको आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। सही है। अब क्वेश्चन देखो, अगर तुम्हारे पास आयोटा क्यूब आ रहा है तो उसको आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, तुम्हारा क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो सकता है। सर कैसे? देखो, आयोटा क्यूब को मैं आयोटा स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करूंगा? क्या 2 के टेबल में 3 आता है? नहीं आता, तो ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करेंगे तो मेरा बेटा क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा बन जाएगा। सही है, हमने आयोटा क्यूब को बेसिकली ब्रेक कर दिया आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा के अंदर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 इंटू आयोटा। तो आयोटा क्यूब का आंसर क्या आ गया आपके पास? बेसिकली आयोटा क्यूब बराबर होता है माइनस के आयोटा के। आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है? माइनस के आयोटा के। इसी तरीके से बहुत दफा पेपर में पूछा जा चुका है, बताओ आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी? बेटा आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी? हमेशा ये बात याद रखिएगा कि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कैसे फिगर आउट करोगे, क्या होगी? भाई बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, कभी भी आयोटा के ऊपर हायर पावर आ जाए, हम हमेशा क्या बनाएंगे उसको? आयोटा स्क्वायर के अंदर। तो 2 के टेबल में 4 कहां पे आता है? सोच के जवाब दो, 2 के टेबल में 4 कहां पे आता है? 2 पे आता है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है? माइनस वन के। बाहर स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज। किसी भी नेगेटिव टर्म या दुनिया में किसी भी टर्म के ऊपर अगर पावर आ जाए इवन, अगर पावर आ जाए इवन, तो अंदर वाला नेगेटिव साइन को वो खा जाती है, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आयोटा की पावर 4 का हमेशा पॉजिटिव 1 के बराबर होता है। ये बड़े छोटे छोटे एमसीक्यूज, अगर आपको क्लियर होंगे तो अच्छे और बड़े लेवल के एमसीक्यूज उसी के बाद समझ में आएंगे। क्लियर है मेरा बच्चा? किसी भी बच्चे को यहां तक कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? हमेशा ये कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखिएगा कि भाई चूंकि आयोटा की पावर 4 बराबर होती है 1 के, तो आपके पास कभी भी आयोटा की पावर 8 आ जाए, आपके पास कभी भी आयोटा की पावर 16 आ जाए, आपके पास कभी भी आयोटा की पावर 20 आ जाए, यानी कि कभी भी कोई भी नंबर अगर 4 के टेबल का आ जाए, कभी भी कोई भी नंबर अगर 4 के टेबल का आ जाए, तो हमेशा आंसर आयोटा की हायर पावर के ऊपर 1 के बराबर होगा। टॉपिक मैं आपसे बात करने वाला हूं, इसी टॉपिक से लिंक, वो एक छोटा सा टॉपिक है। बहुत दफा क्या होता है, आयोटा की कुछ पावर 4n, आयोटा की पावर 8n, इस तरह के एमसीक्यूज भी नस साइड फास्ट साइड पे देखे गए। तो भाई देखो, लेट सपोज मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं, आयोटा की पावर में 4n, बताओ इसका आंसर क्या होगा? अच्छा, व्हाट इज द n हियर? n इज अ नेचुरल नंबर। व्हाट इज द n हियर? n इज बेसिकली अ नेचुरल नंबर। तो भाई लेट सपोज अगर आपसे कह दिया जाए कि आयोटा की पावर 4n क्या होगी, तो भाई देखो आपको ये बात मालूम है कि आयोटा की पावर 4 किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। तो अगर मुझसे कहा जाता है कि आयोटा की पावर 4n किसके बराबर होगी, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अगर मुझसे कहा जाता है कि आयोटा की पावर 4n किसके बराबर होगी, तो भाई मुझे ये बात मालूम है कि भाई आयोटा की पावर 4 में अंदर ही रहने दूंगा और इस पावर को ब्रैकेट से बाहर सेंड कर दूंगा। सही है ना? तो आयोटा की पावर 4 बराबर होती है किसके? 1 के। तो 1 की पावर पे n चला गया, और 1 के ऊपर कोई भी पावर हो, 1 ही रहता है। इसीलिए कभी भी आयोटा की पावर में 4n आ रहा हो, तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। इसी तरीके से लेट सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं कि आयोटा की पावर में आ जाए 4n प्लस का 1, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? ये एमसीक्यूज बहुत दफा पूछा जा चुका है। अगर मैं क्या करता हूं, आयोटा की पावर में लिख देता हूं 4n प्लस का 1 और आपसे कहता हूं कि बताओ इसका आंसर क्या होगा, अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरा बेटा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अगर आपने बचपन के अंदर मैथ्स पढ़ी हुई है तो आप इजीली काम कर सकते हो। मैथ्स क्या कहती थी बचपन के अंदर? व्हेनेवर टू टर्म्स मल्टीप्लाई एंड देयर बेसिस आर सेम, देयर पावर ऑलवेज एड। बचपन में ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। तो बेटा इसका रिवर्स काम भी तो हो सकता है, कहीं पे अगर पावर एड्स हो रही हो तो हम उनको ब्रेक करके लिख सकते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन बेसिकली क्या बन सकता है, ये बन सकता है आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा, यानी कि आयोटा की पावर 4n प्लस 1 को हमने बेसिकली ब्रेक करके लिख दिया। क्यों ब्रेक करके लिखा? क्योंकि पावर्स एड हो रही थी, पावर्स एड हो रही थी, तो हमने क्या करा, हमने बेसिकली पावर्स को ब्रेक करके लिख दिया। सही है भाई। अब देखो आयोटा की पावर 4n मुझे मालूम है कि 1 के बराबर होता है, तो सिमिलरली क्या चीज बच गई? सिर्फ आयोटा बच गया। तो आयोटा की पावर 4n प्लस 1 का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? सिंपल आयोटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सिंपल आयोटा आ जाएगा। इसी तरीके से कभी भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए आयोटा की पावर 4n प्लस का 2, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? भाई सिंपल सी बात है, पावर्स के अंदर चीजें ऐड हो रही हैं, तो पहले तो क्वेश्चन को ब्रेक करके लिख दोगे। कैसे ब्रेक करके लिखोगे? क्या बन जाएगा? आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा स्क्वायर। सही है ना? अब मुझे बात मालूम है कि आयोटा की पावर 4n किसके बराबर होगा?
ये हमेशा वन के बराबर होगा। सही है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ये होती है नेगेटिव वन, तो आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव का वन आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव का वन आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे कह दिया जाए आयोटा की पावर 4n प्लस का 3, बताओ किसके बराबर होगा, कैसे सॉल्व करोगे। मुझे साफ दिख रहा है कि बेस एक आ रही है, पावर्स ऐड हो रही है, सिंपल तरीके से पावर्स को ब्रेक करके लिख दो, पावर्स इंडिविजुअल टर्म पे ब्रेक होगी आ जाएगी, क्या बन जाएगा, आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा क्यूब इंटू आयोटा क्यूब। अच्छा भाई, आयोटा की पावर 4n बराबर होती है किसके, 1 के, और यहाँ पे क्या आ गया, आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है, मैं भी आपको पढ़ा चुका हूँ, ये बराबर होता है माइनस के आयोटा के, ऊपर जाके चेक कर लीजिए, आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है, माइनस के आयोटा के। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल तरीके से माइनस का आयोटा आ जाएगा। इस तरीके से बेसिकली हमारे ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो रहे होते हैं। जल्दी से बताओ यहाँ तक की बात क्लियर है, किसी भी बच्चे को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम। अच्छा तो बेटा, जब हम आयोटा का टॉपिक डिस्कस करते हैं, जब हम आयोटा का जिक्र करते हैं, तो आयोटा का जिक्र करते हुए हमें एक बात सबसे ज्यादा मालूम होनी चाहिए कि आयोटा कभी भी किसी भी नंबर के डिवीजन में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा मशहूर एमसीक्यूज एनईटी साइट पे आ चुका है, ये एमसीक्यूज पूछा जाता है 1/i किसके बराबर होगा, आंसर में ये वाली टर्म भी एक बार लिखी हुई होगी। तो भाई हमेशा याद रखिएगा कि डिनोमिनेटर के अंदर कभी भी आयोटा एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी आपका डिवीजन में नीचे आयोटा नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए। आपकी हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करते हुए ये कोशिश होनी चाहिए कि नीचे से डिनोमिनेटर वाली साइड से कम खत्म हो जाए, अगर खत्म हो गया तो क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो भाई हमारी कोशिश क्या होगी, आयोटा को ऐसे रिमूव करें, और आयोटा को रिमूव करने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, जो भी नीचे वाली टर्म होती है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देते हैं। तो बेसिकली क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, अल्लाह भला करे किसके बराबर, ऊपर आ जाएगा आयोटा, नीचे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है नेगेटिव वन के, तो बेसिकली आंसर क्या आ गया, नेगेटिव का आयोटा, यानी कि 1/i किसके बराबर होता है, नेगेटिव के आयोटा के बराबर होता है, यानी कि 1/i किसके बराबर होता है, नेगेटिव के आयोटा के बराबर होता है। ये बड़ी सिंपल सी बातें हैं जो आपको लाजमी मालूम होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरा बच्चा, क्लियर है। अच्छा, इसी बात के ऊपर मैं आपको एक और एमसीक्यू करवा देता हूँ इस टॉपिक का, जो कि अक्सर वो पेशतर डिफरेंट यूनिवर्सिटी साइट के ऊपर आता है। लेट सपोज आपको कहा जाएगा आयोटा की पावर 21 प्लस आयोटा की पावर 43 प्लस आयोटा की पावर 52, आपसे कहा जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बहुत से बच्चे परेशान हो जाते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, भाई ये बात मैं आपको पढ़ा चुका हूं, कभी भी आयोटा के ऊपर अगर हायर पावर्स होगी, वी ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट इट इन आयोटा स्क्वायर। तो अब देखो मेरे पास ये तीन आयोटा की सिंबल्स आ रहे हैं, मुझे इन्हें सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। आपको खाली ये बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि कभी भी आयोटा पे अगर हायर पावर होगी हमेशा क्या बनाओगे, आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा की पावर 21 को पहले जब सॉल्व करूंगा तो कैसे सॉल्व करूंगा, क्या 21 2 के टेबल में आता है, तमाम लोग जवाब देंगे कि 21 2 के टेबल में आता है, नहीं आता। 21 से पहले वाला ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 के टेबल में आता है, आप बोलेंगे सर 20। तो आयोटा की पावर 21 को ब्रेक कर देंगे, क्या बन जाएगा यहाँ पे, आयोटा की पावर 20 इंटू आयोटा। भाई ये क्या काम कर रहा है, हम लोगों ने बेसिकली इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक कैसे करते हैं, व्हेनेवर टू टर्म्स मल्टीप्लाई एंड देयर बेसिस आर सेम देयर पावर ऑलवेज ऐड, मैथ्स का ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो कभी भी मैथ्स में कोई भी आप काम करो ना, मैं रिवर्स प्रोसेस करके चेक कर लो, अगर रिवर्स प्रोसेस में आपको वापस से वो चीज मिल रही है, इसका मतलब आपने काम सही किया है। तो भैया हमारे पास आयोटा 20 इंटू आयोटा किसके बराबर होगा, 21 के होगा। अच्छा भाई आगे आ रहा है आयोटा की पावर 43, तो क्या 43 2 के टेबल में एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। जब नहीं करता तो पहले लाना पड़ेगा, कैसे लेकर आएंगे, भैया 42 एग्जिस्ट करता है, इसको भी ब्रेक करवा देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे, आयोटा की पावर 42 इंटू आयोटा आ जाएगा। क्या आयोटा की पावर 52 एग्जिस्ट करता है 2 के टेबल में, बिल्कुल करता है। हमेशा ये बात याद रखिएगा, कभी भी आयोटा पे हायर पावर्स होती हैं, हम हमेशा आयोटा के स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है नेगेटिव वन, दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आयोटा की पावर 52 चूंकि 2 के टेबल में एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसको छेड़ने की जरूरत नहीं थी। तो भाई आयोटा 20 को आप सॉल्व करवा लो, आयोटा की पावर 20 को कैसे सॉल्व करवाओगे, 2 के टेबल में एग्जिस्ट करता है, किस नंबर पे एग्जिस्ट करता है, 2 के टेबल के ऊपर, 2 10s are 20 इंटू आयोटा का आयोटा, प्लस का सिंबल। आयोटा की पावर 42 कहां पे एग्जिस्ट करता है, अगेन 2 के टेबल के ऊपर, 2 2s are 4 2 1s are 2 इंटू आयोटा। और आयोटा की पावर 52 कहां पे एग्जिस्ट करता है, ये करता है आयोटा स्क्वायर इंटू 52 कहां पे एग्जिस्ट करता है, 2 2s are 4 2 6s are 12। तो भाई हम लोगों ने क्या करा, हमने सिंपल तरीके सिंप्लीफाई कर दिया इसको।
और हमने यानी कि आयोटा 20 को 2 के टेबल पे सिंप्लीफाई कर दिया, पावर्स को ब्रेक कर दिया। क्यों ब्रेक करा? क्योंकि मुझे मालूम है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव 1 होती है। तो इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव 1 आ जाएगा। बाहर 10 का 10 एज इट इज इनटू आयोटा। इसी तरीके से यहां पे भी आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव 1 आ जाएगा। बाहर 21 का 21 एज इट इज। इसी तरीके से इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव 1। होल पावर में 26 एज इट इज। तो भाई देखो, मैथ्स इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बचपन में पढ़ा होगा, अगर किसी ट्यूशन वाली बाजी से पढ़कर आए वो बचपन की मैथ्स, तो खाना खराब है मेरा बेटा। तो यानी कॉन्सेप्ट सारे बर्बाद कर दिए उसने। तो भाई बचपन में बात पढ़ाई जाती है कभी भी ब्रैकेट के बाहर, अगर इवन पावर आ रही होगी तो अंदर वाला नेगेटिव का साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर ऑड पावर होती है तो नेगेटिव सिंबल नेगेटिव ही रहता है। तो देखो यहाँ पे कैसी पावर, इवन पावर, तो यानी कि नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 इंटू आयोटा इज सिंपल आयोटा। इसी तरीके से आगे क्या होगा, नेगेटिव 1 पे पावर आ रही है 21, 21 इज अ ऑड नंबर, तो मेरा बेटा नेगेटिव 1 पे पावर है ऑड, ऑड पावर अंदर वाले नेगेटिव साइन को नेगेटिव रहने देती है। तो ये माइनस का 1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का आयोटा बन जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव 1 की पावर 26, 26 इज बेसिकली एन इवन नंबर। इवन नंबर की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करता है, नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल तरीके से यहाँ पे 1 बचेगा, तो प्लस के आयोटा से नेगेटिव आयोटा कैंसिल आउट हो गया, तो आपका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, 1 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर क्या आ जाएगा मेरा बेटा, 1 के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन हंसते खेलते सॉल्व हो गया भाई, हमारे मुल्क के बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन, नर्सरी क्लास के बच्चे सॉल्व करते हैं। इनफैक्ट क्लियर है यहां तक की बात, कोई मसले की बात, कोई प्रॉब्लम की बात, कोई परेशानी की बात? अच्छा भाई, जब यहां तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही मजे का, एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये जो टॉपिक आ रहा है ना, ये अलग बड़े फनकार किस्म का टॉपिक है, अलग बड़े ही मजे का टॉपिक है, एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमेशा एक चीज जहन में रखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन और कॉम्प्लेक्स नंबर की सबट्रैक्शन बहुत ही सिंपल वे में होती है। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की चाहे एडिशन करनी हो या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन करनी हो, आप सिंपल वे में कर सकते हो, आप सिंपल तरीके से कर सकते हो। यानी कि उसके अंदर कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, बस आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि रियल पार्ट हमेशा रियल पार्ट से ऐड होगा और रियल पार्ट रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा। यानी कि रियल टर्म हमेशा रियल टर्म से ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है और इमेजिनरी टर्म हमेशा इमेजिनरी टर्म से ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल, बात को एक एग्जाम्पल से समझेंगे भाई, ऐसे नहीं टेंशन लेंगे। लेट सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इज इक्वल टू 2 प्लस का 3 आयोटा, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है मेरे पास z2, और z2 की वैल्यू आती है मेरे पास 4 प्लस का 5 आयोटा। यानी कि मेरे पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं, एक आ रहा है z1 और एक आ रहा है z2। मुझसे कहा जाता है कि आपने इनको इनको ऐड करना है और सबट्रैक्ट करना है, तो जल्दी से कर लेते हैं भाई, कोई मसले की बात नहीं, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं इसको हमारे मुल्क के। यानी कि अगर मुझसे कहा जाता है कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है, ऐड करना है या सबट्रैक्ट करना है, तो अभी कर लेंगे भैया। तो भाई लेट सपोज मुझे इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, यानी कि z1 प्लस z2 करना है। तो भाई देखो सिंपल तरीके से z1 वाली वैल्यूज को लिख दो। z1 की वैल्यूज क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा, और कॉम्प्लेक्स नंबर 2 की वैल्यूज क्या आ रही है, 4 प्लस 5 आयोटा। हमेशा ये बात अपने जहन में रखिएगा कि रियल पार्ट से ऐड होता है। तो 4 प्लस 2 क्या बन गया, 6 बन गया। इमेजिनरी पार्ट से ऐड या सबट्रैक्ट होता है, तो 3 प्लस 5 क्या बन जाएगा, सिंपल तरीके से प्लस का 8 आयोटा बन गया। तो आपके पास सिंपल तरीके से z1 प्लस z2 की वैल्यू क्या आ गई, 6 प्लस 8 आयोटा। या इस बात को आप अगर ordered pair form में लिखना चाहो तो ordered pair form में आपका आंसर क्या होगा, 6.8 होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक चीज जो अक्सर बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है कि सर वो पेपर में आंसर ब्रैकेट में लिखा हुआ था, तो बेटा नल्ले जाहिल, आपको आपके टीचर ने अगर ये बात नहीं पढ़ाई तो वो बहुत ही गलत काम उसने किया हुआ है। कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत दफा आंसर सिंपल फॉर्म में नहीं गिवन होता, कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत दफा आंसर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म कैसे बनेगी, सिंपल इज दैट, कि आपने कुछ भी नहीं करना, उसको ब्रैकेट में लिख देना है। क्लियर है मेरा बच्चा, कोई मसले की बात यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम की बात? अच्छा एक चीज अपने जहन में रखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर की जो एडिशन होती है कम्यूटेटिव होती है। ये एमसीक्यूज भी बहुत दफा पूछा जाता है पेपर्स के अंदर कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है क्या चीज, कॉम्प्लेक्स नंबर की जो एडिशन होती है वो क्या होती है, कम्यूटेटिव होती है। कम्यूटेटिव के मायने क्या है क्या नहीं है, अभी सारी बातें डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन कैसी होती है मेरा बेटा, कम्यूटेटिव होती है। कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि अगर तुम z1 प्लस z2 की वैल्यू निकालो या फिर तुम z2 प्लस z1 की वैल्यू निकालो,
दोनों सूरतों में तुम्हारा आंसर सिमिलर आएगा, यानी कि अगर तुम कॉम्प्लेक्स नंबर वन को एड करवाओ कॉम्प्लेक्स नंबर टू के साथ, या फिर तुम कॉम्प्लेक्स नंबर टू को एड करवा दो कॉम्प्लेक्स नंबर वन के साथ, दोनों सूरतों में आपका आंसर क्या आएगा, सिमिलर आएगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यूज होता है जो अक्सर पेशतर पेपर में आ रहा होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन कैसी होती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन हमेशा कम्यूटेटिव होती है। अच्छा, मगर एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपको मैं एक होमवर्क दे देता हूं Z1 माइनस Z2 करने का, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन आप इन दो क्वेश्चंस के ऊपर घर से करके लेकर आओगे। अच्छा, मगर एक एमसीक्यू ज़हन में रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जो सब्ट्रैक्शन होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की जो सब्ट्रैक्शन होती है वो कम्यूटेटिव नहीं होती। ये एमसीक्यूज भी पेपर में बहुत आता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जो सब्ट्रैक्शन होती है वो कम्यूटेटिव होती है या नहीं होती। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कॉम्प्लेक्स नंबर की जो सब्ट्रैक्शन होती है वो कम्यूटेटिव नहीं होती है। वो क्या होती है, कम्यूटेटिव नहीं होती है। ये दो बातें आपको हमेशा मालूम होनी चाहिए। एडिशन तो आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगी, मगर सब्ट्रैक्शन नहीं फॉलो करेगी। क्यों नहीं करेगी, मैं उसके पीछे रीजन बता देता हूं कि भाई जाहिर सी बात है, अगर आप दो नंबर्स को आपस में, लेट सपोज इनको आप आपस में भी क्या करवा रहे हो, सब्ट्रैक्ट करवा रहे हो, सही है ना, सब्ट्रैक्ट करवाने पे दोनों के साइंस कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर तो मैं Z1 वाली टर्म को पहले लिख रहा हूं तो ऑब्वियसली उसके साइन पॉजिटिव रहेंगे, दूसरी टर्म के साइन नेगेटिव में आ रहे होंगे, और अगर मैं Z2 पहले लिख रहा हूं तो उसके साइन पॉजिटिव होंगे, दूसरे के साइन नेगेटिव में हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली आपका आंसर डिफरेंट आएगा। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जो सब्ट्रैक्शन होती है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती। ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, वाइल जो एडिशन होती है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। और एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे करती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो भी मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट में सिखा दिया कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना कॉम्प्लेक्स नंबर की बहुत ही इजी होता है। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल रियल पार्ट को रियल पार्ट से सॉल्व करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से सॉल्व करना है। जल्दी से बता दो यहां तक किसी बच्चे को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन का टॉपिक आ रहा है भैया, ये भी बड़े मजे का टॉपिक है, बहुत ही मजे का टॉपिक है। हमेशा याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन ही बहुत सिंपल होती है। अबे तुमने सिंपल तो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाना है भाई, नर्सरी क्लास का बच्चा करता है ये काम, नर्सरी क्लास का बच्चा। कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन क्या होती है, बच्चों वाली होती है। फॉर एग्जाम्पल, बात को एग्जाम्पल से समझेंगे भाई, टेंशन नहीं लेनी। लेट सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, Z1 की वैल्यू आ रही है 2+3 आयोटा, देन मेरे पास Z2 की वैल्यू है, अल्लाह भला करे किसके बराबर, ये आ रही है Z2 की वैल्यू 4+5 आयोटा। Z2 की वैल्यू क्या आ रही है, 4+5 आयोटा। मुझसे कहा जाता है कि भैया आपने Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करना है। अगेन मैं एक बात रिपीट कर देता हूँ भाई, मेरे Z बनाने का एक खूबसूरत सा अंदाज है, वरना Z सिंपल लिया बना सकते हो, बात एक ही होती है। क्लियर है मेरा बच्चा, सही है। तो Z1 Z2 यानी कि आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, नो इश्यू नो प्रॉब्लम। यानी कि जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, ओके नो प्रॉब्लम। हमेशा याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन भी सिंपल होती है। जिस तरह आज तक दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाते हो बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई करवाना है कि ये पहली ब्रैकेट की पहली टर्म पहले दूसरे ब्रैकेट की पहली टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा। फिर ये पहले ब्रैकेट की पहली टर्म दूसरे ब्रैकेट की दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा, 5 2 10 आयोटा। फिर ये 3 आयोटा जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 4 3 12 आयोटा। फिर ये 3 आयोटा जाके 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 5 3 15। और एक गलती जो मेजोरिटी बच्चा करता है, आयोटा भूल जाता है। बेटा आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, आयोटा स्क्वायर भी तो बनेगा। तो क्या आ गया हमारे पास, 8+10 में 12 का इजाफा करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 22 आयोटा। और आगे क्या आ रहा है, प्लस का 15 आयोटा स्क्वायर। हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल नेगेटिव का 15 आ जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव का 1, तो नेगेटिव का 15 हो जाएगा। तो 8 में से 15 निकाल दो, 8 में से अगर तुम 15 निकाल दोगे तो नेगेटिव का 7 आ जाएगा और प्लस का 22 आयोटा एज इट इज का एज इट इज। तुम्हारे पास सिंपल तरीके से Z1 और Z2 का आंसर क्या आ गया, -7+22 आयोटा। मैं अगेन एक चीज रिपीट कर देता हूँ बेटा, मैं बहुत सालों से चीज पढ़ा रहा हूं ना तो मेजोरिटी बच्चों की गलती देखता हूँ, बहुत गलती भाई। मैंने इतनी मेहनत से टॉपिक पढ़ा दिया, अब पेपर के अंदर हो सकता है इस फॉर्म में आंसर ना गिवन हो,
ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में गिवन हो, तो मेरा बेटा ऑर्डर्ड पेयर का भी तो कॉन्सेप्ट दे चुका हूं ना, कोई फारसी थोड़ी बोली है मैंने। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट करना होगा तो कैसे कन्वर्ट करोगे भाई? ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में तुमने सिर्फ अपने क्वेश्चन को आयोटा के बगैर लिखना होता है, दैट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, और ब्रैकेट्स में लिखना होता है। तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का 7.22 ब्रैकेट्स के अंदर। तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? -7.22। एक पत्ते की बात बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमेशा ये बात याद रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव होती है। यानी कि अगर आप z1 इंटू z2 कर दो या फिर आप z2 इंटू z1 कर दो, दोनों सूरतों में आंसर आपका हमेशा सिमिलर आएगा। आप कभी भी z1 को z2 से मल्टीप्लाई करवा दो या z2 को z1 से मल्टीप्लाई करवा दो, दोनों सूरतों में आंसर क्या आएगा? सिमिलर। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लीकेशन हमेशा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। जल्दी से बताओ मेरा बच्चा, ये बात क्लियर है? किसी भी बच्चे को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, जल्दी से बताओ। अच्छा, वन मोर थिंग भाई, मैंने z1 इंटू z2 की वैल्यू निकाल के दिखा दी है, तो क्या पता मैंने प्रॉपर्टी गलत ना पढ़ाई हो, तो आप z2 इंटू z1 की वैल्यू खुद से निकाल लीजिएगा, सही है ना? आप घर पे बैठ के z2 इंटू z1 की वैल्यू निकाल लीजिएगा, यही आंसर आ रहा होगा, सही है? क्योंकि हमेशा कम्यूटेटिव होता है। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर 1 इंटू कॉम्प्लेक्स नंबर 2 की प्रोडक्ट का आंसर होगा, वही कॉम्प्लेक्स नंबर 2 इंटू कॉम्प्लेक्स नंबर 1 की प्रोडक्ट का आंसर होगा। क्लियर है मेरा बच्चा? यहां तक किसी बच्चे को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? नाउ वी आर मूविंग ऑन द डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं मेरा बेटा, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन कैसे होती है, हम उस टॉपिक के ऊपर मूव कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन बहुत ही यूनिक, बहुत ही मजे की। कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन जो होती है ना, ये वाहिद एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको मालूम होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन का कॉन्सेप्ट क्या है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन रैशनलाइजेशन की फॉर्म में होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने एक एमसीक्यूज लिख दूं, ये एमसीक्यूज कई यूनिवर्सिटीज के पेपर में पूछा गया, ये एमसीक्यूज कई यूनिवर्सिटीज के पेपर में आया कि लेट सपोज आपके पास आ रहा है 7 - 3 आयोटा और नीचे डिवीजन में गिवन था आपको 1+ का आयोटा। कहता है कि बताओ इसका रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट क्या होगा, या फिर इसका सॉल्यूशन बताओ, या फिर इसकी सिंप्लीफिकेशन बताओ। तो ये एमसीक्यू उसका यूनिवर्सिटीज में आ चुका है। अब देखो आपने क्वेश्चन को पिक कैसे करना है, आपके पास ऊपर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब भी ये हुआ कि भाई ऊपर भी रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन है, नीचे भी रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन है। ऊपर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपसे कहा जाता है क्वेश्चन सॉल्व करो। बेटा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हो, उनको सॉल्व करने का तरीकेकार सबसे आसान क्या होता है? रैशनलाइजेशन। कि जो भी नीचे फंक्शन आ रहा है, जो भी नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, सिमिलर वही कॉम्प्लेक्स नंबर लो मगर उसका साइन कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो। बचपन में जो रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, तो क्या होता था कि जो भी नीचे वाली टर्म आ रही है सेम वो टर्म लो मगर उसकी मिडिल वैल्यू, मिडिल साइन कन्वर्ट करवा के मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो। क्या बन जाएगा? 1 - iota से मल्टीप्लाई करवा दिया, 1 - iota से डिवाइड करवा दिया। तो व्हाट इट विल बिकम? इट विल बिकम सिंपली हमारे पास 7 - 3 iota इंटू 1 - iota डिवाइडेड बाय 1+iota इंटू 1 - iota। ये क्या काम करा दोबारा समझ लीजिएगा। मैंने आपसे क्या कहा, कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवाइड हो रहे हो, आपने सिंपल एक छोटा सा काम करना है, जो भी नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर को लो, खाली उसके मिडिल टर्म को कन्वर्ट करवाओ, मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो पूरे क्वेश्चन के साथ। तो भाई ऊपर क्या बन जाएगा? ऊपर बन गया 7 - 3 iota इंटू 1 - iota। नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा 1+iota इंटू 1 - iota। जाहिर सी बात है, जब नीचे वाली टर्म की अपोजिट टर्म से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया है तो हमेशा नीचे फॉर्मूला लगता है कौन सा? a² - b² का, क्योंकि a+b * a - b किसके बराबर होता है? a² - b² के। तो नीचे तो क्या बन जाएगा? 1² - iota² नीचे क्या आ गया? 1² - iota² ऐसा क्यों हुआ भैया? क्योंकि a+b * a - b आ रहा है तो किसके बराबर होगा? a² - b² के। ये हमेशा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन में। और ऊपर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड मल्टीप्लाई होंगे, तो भाई 7 जाके पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? 7 आ जाएगा। फिर 7 जाके जब माइनस के आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? -7 iota आ जाएगा। फिर -3 iota जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? -3 iota बन जाएगा। जब -3 iota माइनस के आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? -3 iota² क्या बन जाएगा? -3 iota². क्लियर है भाई? तो ये क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया सिंपल तरीके से 7 का 7 एज इट इज। -7 iota - 3 iota इज बेसिकली -10 iota और +3 iota² बराबर होता है -1 के, तो ऊपर क्या आ गया? -3 आ गया। और नीचे क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर इज 1
आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन के बराबर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन के बराबर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का वन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सात में से अगर तुम तीन निकाल दो, सात में से अगर तुम तीन निकाल दो, तुम्हारे पास क्या बचेगा, चार बच जाएगा। क्या बचेगा, चार माइनस का टेन आयोटा एज इट इज, और नीचे क्या आ रहा है, वन प्लस वन किसके बराबर होगा, टू के बराबर होगा। सही है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म पे लेकर आ गए, इस तरीके से हमने सिंप्लीफाई करवा दिया। अब इसका एलसीएम ब्रेक करवा दो, तो ये जो टू आ रहा है ये फोर के नीचे भी चला जाएगा और टेन आयोटा के नीचे भी आ जाएगा। तो फोर डिवाइडेड बाई टू क्या होता है बेटा, टू के बराबर होगा, और माइनस का सिंबल एज इट इज। टेन डिवाइडेड बाई टू क्या हो जाएगा, फाइव के बराबर आ जाएगा, माइनस का फाइव आयोटा आ गया। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो डिवाइड हो रहे थे उनका आंसर क्या आ गया, टू माइनस का फाइव आयोटा आ गया। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था बताओ ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में इसका आंसर क्या होगा, तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में इसका आंसर होगा टू कॉमा फाइव। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में इसका आंसर क्या होगा, टू कॉमा नेगेटिव फाइव। क्या होगा, टू कॉमा नेगेटिव फाइव। अच्छा, और रियल पार्ट की वैल्यू क्या है यहाँ पे, टू, और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव फाइव। तो बहुत दफा क्वेश्चन जो है ना ये भी पूछ लेते हैं कि भाई आखिर में रियल पार्ट की वैल्यू क्या आ रही है, या दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या, तो इमेजिनरी पार्ट ऑब्वियसली नेगेटिव फाइव के बराबर आ रहा है। क्लियर है मेरा बच्चा, किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, तो जब हम लोगों ने तमाम की तमाम बातें यहाँ पे कर ली हैं, तो उसके बाद अब हम कुछ सिंपल से, बेसिक से, मासूम से क्वेश्चंस के ऊपर मूव करते हैं। अब ये कई तरह के क्वेश्चंस जो कई तरह के पेपर्स में पूछे जाते हैं, मैं रैंडमली आपको सॉल्व करवाऊंगा, और ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बिलियन डॉलर्स के क्वेश्चन है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के पास पेपर्स के। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, कहता है कि अगर तुम्हारे पास इफ 2x माइनस का 1 प्लस का 3y प्लस का 2 इंटू आयोटा बराबर आ जाए किसके, 5 माइनस के 4 आयोटा के, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है बेटा, ये बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ टाइम आईबीए के अंदर, एनईडी के अंदर, नस्ट के अंदर पूछा जा चुका है। इन क्वेश्चंस का एक प्रॉपर नाम होता है, इन क्वेश्चंस का प्रॉपर नाम ये होता है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस कहलाती हैं ये क्वेश्चंस। क्या कहलाती हैं मेरा बेटा, कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस कहलाते हैं ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपसे बड़ी मजे की बात कर रहा है, कहता है कि यार देखो अगर तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आ रही है, ये जो आपके पास पूरी टर्म लिखी हुई है ना, बेसिकली इस पूरी टर्म को क्या कहते हैं, इस वाली पूरी टर्म को, इस पूरी चीज को कहते हैं कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। तो आपको बेसिकली कॉम्प्लेक्स इक्वेशन गिवन है, यानी कि आपको गिवन है 2x माइनस का 1 प्लस का 3y प्लस का 2 आयोटा, और आपसे कहा जा रहा है ये बराबर है किसके, 5 माइनस 4 आयोटा के, बताओ x और y की वैल्यू क्या है। तो कभी भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आपके पास आ जाए, इसको सॉल्व करने का तरीके का बहुत ही आसान होता है, आपने हमेशा अपनी राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में रखना है। सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म का मतलब क्या है, कि आपकी जो भी ये वाली साइड आ रही है, ये वाली साइड जो आपकी आ रही है, जो कि मेरे ख्याल में यहाँ पे आपकी लेफ्ट हैंड साइड पड़ेगी, आपकी क्या पड़ेगी, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर साइड आ रही है, आपने इसको अपने सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में रखना है, कि आपके पास रियल पार्ट एक तरफ मौजूद हो, इमेजनरी पार्ट एक तरफ मौजूद हो, और इक्वल टू के दूसरी तरफ भी रियल पार्ट एक तरफ मौजूद होगा, इमेजनरी पार्ट एक तरफ मौजूद होगा। तो अगर तो आपकी दोनों तरफ की साइड्स एक दूसरे के बराबर आ रही है, एक दूसरे के क्या आ रही है, बराबर आ रही है, इक्वल टू के बराबर, तो आपने सिंपल तरीके से यहाँ पे कंपेयरिंग करवानी होती है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करवा दोगे। देखो ये रियल पार्ट जो आ रहा है, इस रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करवा देंगे, क्योंकि मैथ्स की ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है, व्हेन एवर टू इक्वेशंस आर इक्वल टू ईच अदर, कभी भी दुनिया में दो इक्वेशंस अगर एक दूसरे के बराबर आ जाती है, तो उनकी जो एडजेसेंट साइड्स होती है, उनकी जो सिमिलर साइड्स होती है, वो दूसरे के बराबर आ जाती है। तो भाई देखो यहाँ पे चूंकि ये पहली इक्वेशन सिंप्लीफाइड हुई भी है, तो रियल पार्ट एक तरफ है, इमेजिनरी पार्ट एक तरफ है, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सिंपल तरीके से अपने रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करवा दिया, और इमेजिनरी पार्ट जो यहाँ पे आ रहा है ये 3y प्लस का 2, ये इमेजिनरी पार्ट से इसको कंपेयर करवा देंगे। क्लियर है मेरा बच्चा? तो यहाँ पे बेसिकली मेरे पास क्या बन गया, हमने रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करवा दिया, तो 2x माइनस का 1 बराबर आ गया 5 के, माइनस के 1 को दूसरी तरफ भिजवा दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 प्लस का 1, तो 2x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा, 3 आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर हो रहा है 3y प्लस का 2 बराबर आ रहा है नेगेटिव 4 के, तो मेरा बेटा प्लस के 2 को दूसरी तरफ भिजवाओगे तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 2, तो क्या बन जाएगा, माइनस 4 माइनस का 2, तो 3y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 6, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 3 मल्टीप्लायर है, वहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगी नेगेटिव का 2, 3 2 6 होता है ना, नेगेटिव का 2, तो आपके पास फाइनली x, y की वैल्यू क्या आ गई,
ये आ गई आपके पास 3, -2। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही मजे का क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो क्या क्वेश्चन है मैं दोबारा भी रिपीट कर देता हूँ, अगर आप में से किसी भी बच्चे को मसला हो रहा है मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि भाई देखो इस क्वेश्चन में आपसे कहा यह जा रहा है, आपसे कहा यह जा रहा है कि आपको बेसिकली कॉम्प्लेक्स इक्वेशन गिवन है, आपसे कहा जाता है कि बताओ इसके अंदर x और y की वैल्यू क्या होगी। भाई आपने कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने सिंपल तरीके से यहाँ पे रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करवा दिया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करवा दिया, और सिंपल तरीके से x एंड y की वैल्यूज को हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अच्छा एक क्वेश्चन हो सकता है आप में से किसी के मासूम से बच्चे के जहन में आए, सर ये तो कॉम्प्लेक्स पार्ट के साथ ये इमेजिनरी आयोटा का सिंबल था वो कहां गया। अबे अल्लाह के बंदे, अगर मैं इस पूरी टर्म को इस पूरी टर्म से कंपेयर करवाऊंगा तो जाहिर सी बात है आयोटा आयोटा से कैंसिल आउट हो जाएगा ना भाई, आयोटा आयोटा एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, इसलिए उसको लिखते नहीं है। क्लियर है मेरा बच्चा? तो इस तरीके से आपके पास एक्स कॉमा वाई की वैल्यू आ गई। अभी बिल्कुल परेशान मत होइएगा, मैं इस टॉपिक पे एक और क्वेश्चन भी करवाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करता हूँ, अब की बारी में क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा मजा आए। लेट सपोज आपके पास क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन नस साइड पे भी आ चुका है, फास्ट साइड पे भी आ चुका है, एनईडी साइड पे भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं आपसे कहता हूं 3x प्लस का y माइनस का 2 आयोटा बराबर आ जाए किसके, 5 माइनस के 2x के, प्लस के सिंबल के बाद यहां पे आ जाए 3y माइनस का 8 इंटू आयोटा, तो बताओ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अगेन देखो मेरा बेटा, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आ रही है। क्या आ रही है मेरा बेटा? कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आ रही है। तो भाई कभी भी आपके पास कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आ रही हो, आपने सिंपल तरीके से कुछ भी नहीं करना भाई, आपने सिंपल रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करवा देना है। तो भाई देखो रियल पार्ट यहाँ पे क्या है, एग्जामिनर ने खुद हलवा बना के दिया हुआ है, हलवा बना के देखो दिया हुआ है। रियल पार्ट बेसिकली वो टर्म होती है जिसका आयोटा नहीं होता। भाई यहाँ पे देखो दो टर्म्स आ रही हैं, एक वो टर्म जिसका आयोटा नहीं है, एक वो टर्म जिसका आयोटा है, यानी कि ये वाली टर्म कौन सी, रियल पार्ट, और ये वाली टर्म भी कौन सी, इक्वल टू के सब रियल पार्ट। तो मैथ्स का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, कभी भी इक्वल टू के आमने सामने दो टर्म्स आ जाए तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करवा दोगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करवा दोगे, कभी भी तो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन अगर आमने सामने आ जाए। सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, 3x की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस का 2x, माइनस के 2x को यहां भिजवा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2x आ जाएगा, इक्वल टू के बाद 5 का 5, 3x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, इक्वल टू के बाद 5 का 5, 5 से 5 कट गया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा, 1 आ जाएगी। क्लियर है? इसी तरीके से आपके पास यहां पे जो इमेजिनरी पार्ट आ रहे हैं उनको आपस में कन्वर्ट करवा दो, आपस में कंपेयर करवा दो, क्या बन जाएगा, 5 माइनस का 2। बेटा अगर तुम आयोटा को भी ले लोगे तो कोई मसले की बात नहीं, आयोटा आयोटा एक दूसरे को काट देंगे, इसलिए आयोटा लिखा नहीं जाता। तो इमेजिनरी पार्ट को हम लोगों ने इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करवा देना है। तो भाई एक जैसी टर्म्स को एक साइड पे लिख दोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2 इधर ही, माइनस का 8 जब यहां पर आएगा तो प्लस का 8 बन जाएगा, 3y का 3y इधर, प्लस का y जब यहां पे जाएगा तो माइनस का y बन जाएगा। माइनस 2 प्लस 8 किसके बराबर होता है, प्लस के 6 के बराबर होता है। 3y में से y जाएगा तो क्या बचेगा, 2y बचेगा, 2 1 जर 2, 2 3 जर 6, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा, 3 आ जाएगी। क्या आ जाएगी y की वैल्यू, 3 आ जाएगी। क्लियर है भाई? तो आपका आंसर क्या आ रहा होगा इस क्वेश्चन का, x y की वैल्यू आ रही होगी 1.3। क्या आ रही होगी, 1.3। इजी पीजी क्वेश्चन है भाई, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं, हमारे मुल्क के बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस। कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज के ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये प्रॉपर्टीज बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हैं, जिसको हम लोगों ने लाजमी कवर अप करना है, और ये टॉपिक या ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक से। ये टॉपिक क्या है क्या नहीं है इसको भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इसमें आर्गन डायग्राम भी आती है, गोसाइन प्लेन भी आ जाता है इसके अंदर, डिमोवर्स थ्योरम भी आ जाता है इसके अंदर, कॉन्जुकेट भी आता है, मॉडुलस भी आता है, एडिटिव इनवर्स भी होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होता है। ये सारी की सारी वो प्रॉपर्टीज हैं बेटा जो हर साल तुम्हारी, तुम किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, 1 से 2 एमसीक्यूज लाजमी आएंगे इसके, चाहे बीबीए की साइड हो चाहे इंजीनियरिंग की साइड हो, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। और बहुत दफा तो ऐसा होता है कि नस साइड के ऊपर 10-10 एमसीक्यूज भी आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक के, नंबर सिस्टम के टॉपिक के 15-15 एमसीक्यूज आ जाते हैं, फास्ट साइड के ऊपर 5-5 एमसीक्यूज आ जाते हैं, एनईडी साइड पे 4-4 एमसीक्यूज आ जाते हैं, IBA साइड में 3-3 एमसीक्यूज आ जाते हैं, और IBA साइड पे तो एक एमसीक्यू 4 नंबर का, यानी कि सिंपल तरीके से 4 3 12 हो गए तुम्हारे, 12 नंबर सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर से आ गए। तो बड़ा वेटेज रखता है कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक, और है भी बड़े मजे का टॉपिक है, लिटरली बहुत मजे का टॉपिक है। अब देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर जो प्रॉपर्टी हमारे पास आती है ना, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कॉन्जुकेट। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं मेरा बेटा, कॉन्जुकेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुकेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुकेट अगर आपको लेना है तो कैसे लेंगे भाई, बहुत ही मजे की प्रॉपर्टी है। लेट सपोज तुम्हारे पास एक सिंपल सा कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। हमारे पास एक सिंपल सा कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई।
ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, तुम्हारे पास कभी भी कोई सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर हो जो कॉन्जुकेट होता है वो हमेशा जेड बार से डिनोट किया जाता है. तो कभी भी दुनिया के अंदर अगर तुम्हें जेड बार का सिंबल दिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा भैया ये कॉन्जुकेट लिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर का. और कॉन्जुकेट होता क्या है इसको भी समझ लो. ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर, जो भी तुम्हारा ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इमेजिनरी पार्ट का साइन कन्वर्ट करना, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन कन्वर्ट करना इज बेसिकली द कॉन्जुकेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो बेसिकली कॉन्जुकेट क्या होगा? एक्स माइनस का आयोटा वाई. क्या कहा मैंने, दोबारा सुनिएगा. लेट सपोज आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है जेड इज इक्वल टू 3 प्लस का 4 आयोटा. अगर आपसे कहा जाता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुकेट बताओ, तो कॉन्जुकेट क्या होता है भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का साइन कन्वर्ट कर दो. तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3 माइनस का 4 आयोटा. समझे मेरा बच्चा? इसी तरीके से लेट सपोज आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है जेड इज इक्वल टू 2 माइनस 4 आयोटा. आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है 2 माइनस का 4 आयोटा. तो कॉन्जुकेट क्या होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का? कॉन्जुकेट डिनोट करते हैं जेड बार से. आपने सिंपल तरीके से इमेजिनरी टर्म का साइन कन्वर्ट कर देना है. तो बेसिकली क्या हो जाएगा? कॉन्जुकेट 2 प्लस का 4 आयोटा. सही है? तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखना चाहो तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म हो जाएगी 2, 4. सही है मेरा बच्चा? लेट सपोज मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर देता हूं -3, 2 ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में. मैं आपसे कहता हूं कि बताओ इसका कॉन्जुकेट क्या होगा. तो भाई कॉन्जुकेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का? आपने सिर्फ इमेजिनरी टर्म का साइन कन्वर्ट करना होता है और इमेजिनरी टर्म बाद वाली होती है. तो इसका आंसर क्या आएगा? -3, -2 हो जाएगा. यानी कि इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुकेट क्या होगा? ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर होगा. तो कॉन्जुकेट क्या होता है मिडिल टर्म का, या फिर मिडिल टर्म छोड़ दो, फंस जाओगे उसमें, इमेजिनरी पार्ट का साइन कन्वर्ट करना इज बेसिकली दी कॉन्जुकेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. क्लियर है मेरा बच्चा? मैंने बहुत डिटेल में बात समझाई है, बहुत मजे से बात समझाई है. इस बात को लाजमी अपने जहन में रखिएगा, इस बात को लाजमी अपने जहन में रखिएगा. बिलियन डॉलर्स की बात है, बिलियन डॉलर्स की. क्लियर है मेरा बच्चा? ये बात हमेशा अपने जहन में रखिएगा. अगर कॉन्जुकेट वाली बात आपको पल्ले पड़ती है, कॉन्जुकेट वाली बात आपको समझ में आती है, थोड़ा सा आगे मूव करेंगे. थोड़ा सा जब आगे मूव करेंगे तो मेरा बेटा आगे किस चीज से मूव करेंगे? अगला जो टॉपिक होता है वो कहलाता है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. क्या कहलाता है? मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ये टॉपिक भी बड़े मजे का है. क्या कहता है? मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना. वैसे पंजाब बोर्ड की मैं किताब देख रहा था आज ही बैठ के, अपना टॉपिक रिवाइज कर रहा था जरा आपको पढ़ाने से पहले. मैं पंजाब बोर्ड फेडरल बोर्ड की किताब देख रहा था, तो वहां पे इसको हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, वहां पे मॉडुलस को मैग्नीट्यूड भी कहा जाता है, वहां पे इसका एक और नाम होता है एब्सोल्यूट वैल्यू भी होता है. तो भाई सारी चीजें एक ही है, यानी कि मैग्नीट्यूड भी वहां पे इसको कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड निकालना या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेना, सारी बातें एक ही है. अगर आपसे कह दिया जाए एब्सोल्यूट वैल्यू निकालियो या मॉडुलस निकालो या मैग्नीट्यूड निकालो कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये तमाम की तमाम एक ही चीजें हैं. क्लियर है मेरा बच्चा? तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना हो, मैग्नीट्यूड निकालना हो या एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी हो, ये सारी एक ही बातें हैं. और ये होता क्या है? लेट सपोज अगेन बात का आगाज करेंगे सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर से. लेट सपोज आपके पास एक मासूम सा कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई. क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है? जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई. अगर आपसे कहा जाता है कि आपको मॉडुलस लेना है, क्या कहा जाता है? मॉडुलस. मॉडुलस या मैग्नीट्यूड या एब्सोल्यूट वैल्यू किससे डिनोट करते हो? कि आप जेड के साथ ये मॉडुलस का सिंबल लगा देते हो. भाई ये जेड के साथ जो मैंने डंडे लगाए, डंडे नहीं कहलाते, क्या कहलाते हैं? मॉडुलस का सिंबल कहलाता है. और ये होता क्या है? सिंपल तरीके से जिस तरह वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड लेते हो ना, कि आपने रियल वाली टर्म का स्क्वायर लेना है और इमेजिनरी टर्म का स्क्वायर लेना है. आयोटा को हम काउंट नहीं कर रहे होते, रिमेंबर दिस थिंग. आपने सिर्फ इमेजिनरी टर्म का स्क्वायर लेना है, रियल टर्म का स्क्वायर लेना है रूट के अंदर. ये मैग्नीट्यूड होता है, यही मॉडुलस होता है, यही एब्सोल्यूट वैल्यू होती है. फॉर एग्जाम्पल, परेशान नहीं होइएगा, बात को समझेंगे एग्जाम्पल के जरिए. भाई बात को एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, कोई टेंशन क्यों लेते हो मेरा बच्चा? फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है 2 + 3 आयोटा. क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है? 2 + 3 आयोटा. तुमसे कहा जाता है कि भैया इसका मॉडुलस लेके बताओ, इसका मैग्नीट्यूड लेके बताओ, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के बताओ. भाई ये तीनों एक ही चीज है, ये तीनों एक ही राक्षस के नाम है, ये तीनों एक ही राक्षस के नाम है मेरा बच्चा. तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? मॉडुलस, मैग्नीट्यूड, एब्सोल्यूट वैल्यू. और से देखो, रियल पार्ट का स्क्वायर लेना है, 2 का स्क्वायर ले लो, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेना है, इसका स्क्वायर आ जाएगा. सही है? तो क्या बन गया?
ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 3 का स्क्वायर इज 9, तो 9 प्लस 4 किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है अंडर रूट 13 के बराबर, किसके बराबर होता है अंडर रूट 13 के बराबर। क्लियर है यहां तक की बात, जल्दी से बता दूं पल्ले पढ़नी चाहिए। सिमिलरली अगर मैं तुम्हारे सामने एक और टर्म लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि भैया तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है जेड इज इक्वल टू 4 माइनस का 3 आयोटा, तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ रहा है 4 माइनस का 3 आयोटा। मैं आपसे कहता हूं कि आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू या मैग्नीट्यूड निकालना है या मॉडुलस निकालना है, तो बताओ कैसे निकालेंगे भाई? सिंपल तरीका है, क्या करोगे सिंपल तरीके से, आप इसका मॉडुलस कैसे निकालोगे मेरा बेटा? आपने कुछ भी नहीं करना, रूट के अंदर जाओगे, रियल पार्ट का स्क्वायर कर दो, प्लस का सिंबल, फिर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना है। अब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव का 3 आ रहा है, तो नेगेटिव का 3 का स्क्वायर हो जाएगा भैया 4 का स्क्वायर होता है 16, और नेगेटिव के 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 9, तो 16 प्लस 9 बराबर होता है 25 के, और 25 बराबर होता है रूट का 5 के। तो यहाँ पे मॉडुलस की वैल्यू क्या आ गई या मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आ गई या फिर आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू की वैल्यू क्या आ गई, सिंपल 5 आ गई। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जल्दी से बताओ मेरा बेटा, बात पल्ले पड़ती है, समझ आती है, क्लियर है? कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात, कोई प्रॉब्लम की बात, क्लियर है मेरा बच्चा? सिंपल है भाई, बच्चे सॉल्व करते हैं यार ये क्वेश्चंस, तो हमारे नर्सरी क्लास के बच्चे भी सॉल्व कर लेते हैं, क्लियर है? मगर ढंग के टीचर से पढ़ने के बाद, रिमेंबर दिस थिंग। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिलियन डॉलर्स का यार कॉन्सेप्ट है, बिलियन डॉलर्स का। और ये कॉन्सेप्ट ये बहुत दफा एक एमसीक्यू पूछा जाता है कि बताओ मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लूं तो भाई नीचे 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, बताओ ये किसके बराबर होगा? मॉडुलस का मॉडुलस, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस या मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? हमेशा याद रखिएगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं कॉन्जुकेट लूं फिर उसका मॉडुलस लूं, या सिर्फ किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ले लूं, ये दोनों टर्म्स हमेशा आपस में बराबर होती हैं। पहले गौर से इस बात को समझ लो, देख लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा कि भाई अगर मैं सिर्फ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ले लूं, ये हमेशा बराबर होगा कि अगर मैं पहले किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुकेट लूं फिर मॉडुलस लूं। सर कैसे, सर क्या मतलब आपकी बात का? आओ मेरा बच्चा, अभी तरीके समझा देता हूँ, क्यों टेंशन लेते हो भाई? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सिंपल सा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर मैं कह देता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुकेट, इधर मैं कह देता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, और इधर मैं कह देता हूँ सिंपल एक कॉन्जुकेट का मॉडुलस। यानी कि मैंने आपके सामने सबसे पहले क्या लिखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है 2+3 आयोटा, ही ले लो। लेट सपोज मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 2+3 आयोटा, तो भाई इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुकेट क्या होगा? कॉन्जुकेट क्या होता है? इमेजिनरी टर्म का साइन कन्वर्ट करना। तो भाई इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुकेट क्या होगा? ये होगा 2 - 3 आयोटा। अगर मुझे सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुकेट लेना है, अगर मुझे सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुकेट, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेना है, अगर मुझे सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या लेना है, मॉडुलस लेना है, तो कैसे लेंगे मेरा बेटा? रियल पार्ट का स्क्वायर कर दूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दूंगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 4+9 किसके बराबर आएगा? √13 के। यानी कि अगर मुझे सिर्फ सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेना है तो √13 हो जाएगा। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई तुम कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले कॉन्जुकेट लो फिर मॉडुलस लो, यानी कि मुझे अगर कॉन्जुकेट वाले मॉडुलस नंबर का क्या लेना हो, मॉडुलस लेना, तो क्या होगा? तो भाई इसका भी लेके चेक कर लेते हैं, इसका मॉडुलस कैसे आएगा? अगेन रियल पार्ट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का सिंबल, और फिर इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, तो -3 का स्क्वायर लूंगा। -3 का स्क्वायर भाई रेवन पावर होगी तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगी, प्लस का 9 बन जाएगा, तो 2 का स्क्वायर इज 4 एंड नेगेटिव के 3 का स्क्वायर इज प्लस का 9, तो 4+9 यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, √13। तो गौर से देखो, सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस या फिर कॉन्जुकेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, दोनों हमेशा आपस में बराबर होते हैं, दोनों हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। भाई इसी बात को मैं एक और एग्जांपल पे समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ 1+ का आयोटा, अगर मैं इसका कॉन्जुकेट लूं, कॉन्जुकेट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन कन्वर्ट करना, तो क्या बन जाएगा, 1 - आयोटा बन जाएगा। अगर मुझे इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या लेना है, अगर मुझे इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का लेना है मॉडुलस, तो भाई सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1, और इमेजिनरी पार्ट यानी कि इस आयोटा, आयोटा के साथ कोई भी टर्म नहीं है, तो क्या होगा मेरा बेटा, 1 होगा। मैंने आपसे क्या कहा था, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे आयोटा के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर लूंगा, तो क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 आ गया, सही है। और अगर मैं आपसे कहता हूँ कि नहीं मुझे लेना है इसका मॉडुलस, यानी कि z कॉन्जुकेट का मॉडुलस, तो वो कैसे लिया जाएगा, वो ऐसे ले लोगे भाई, 1 का स्क्वायर अगेन रियल पार्ट का स्क्वायर, 1 का 1 आ जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या होगा, -1 होगा, तो -1 का स्क्वायर भी क्या होगा,
प्लस का मनी होगा क्योंकि नेगेटिव बनता है, स्क्वायर ले रहा हूं तो प्लस मनी होगा ऑब्वियसली, क्या हो जाएगा रूट टू। तो गौर से देख लो, हमेशा आपके पास ये बात जहन में रखिएगा कि सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और कॉन्जुकेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस दोनों हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए, पेपर्स के अंदर बहुत ज्यादा पूछी जाती है प्रॉपर्टी। तो बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नस साइड पे पूछा गया था, इस क्वेश्चन को आप लोग बैठ के सॉल्व करोगे, मैं आपको क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन पेपर के अंदर ये पूछा गया था, इफ वी सबट्रैक्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम इट्स कॉन्जुकेट, इफ वी सबट्रैक्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम इट्स कॉन्जुकेट, क्वेश्चन लिख लीजिए अपने पास, इफ वी सबट्रैक्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम इट्स कॉन्जुकेट द रिजल्ट विल बी डैश, ऑप्शन ए रियल नंबर, ऑप्शन बी इमेजिनरी नंबर, ऑप्शन सी नंबर हैविंग नो मॉड, नंबर हैविंग नो मॉड, या ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पहले गौर से एक बार एनालाइज करिए, मेजोरिटी आवाम इस क्वेश्चन में ब्लंडर मार के आएगी, पहले बता देता हूं। क्वेश्चन आपसे कहता है इफ वी सबट्रैक्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम इट्स कॉन्जुकेट, देखो बेटा बेसिक इंग्लिश है, इंग्लिश को एनालाइज करो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगर तुम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुकेट से सबट्रैक्ट करवा दो। देखो ये कभी भी थ्योरेटिकल एमसीक्यू पेपर में आया ना तो मेजोरिटी आवाम एक तो पता नहीं क्यों इससे परेशान होती है। अब देखो तुम्हें क्वेश्चन ने ये नहीं बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा नहीं है, तो तुम जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम कर लो, जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई या ए प्लस आयोटा बी, तुमने एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम कर लिया, और जाहिर सी बात है इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुकेट क्या होगा, कॉन्जुकेट में पढ़ा चुका हूं आप लोगों को क्या होता है कि भैया आपके इमेजिनरी टर्म का साइन कन्वर्ट करना। तो अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है ए प्लस आयोटा बी, तो उसका कॉन्जुकेट क्या होगा, ए माइनस आयोटा बी। सबसे पहले तो आपने खुद ही जल्दी से अपने जहन में एनालाइज कर लिया कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुकेट है। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ वी सबट्रैक्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुकेट से सबट्रैक्ट करूं, यानी कि इफ वी सबट्रैक्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम इट्स कॉन्जुकेट, इंग्लिश को समझिएगा, हो सकता है तुम में से कुछ बच्चे z माइनस z कॉन्जुकेट कर दें, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर सबट्रैक्ट हो रहा है फ्रॉम इट्स कॉन्जुकेट, तो z कॉन्जुकेट पहले आएगा और सिंपल z बाद में आएगा। तो z कॉन्जुकेट की लेट सपोज तुमने वैल्यू सपोज कर ली a माइनस आयोटा बी, माइनस का सिंबल एज इट इज, और z की वैल्यू क्या आ रही है मेरा बेटा, a प्लस का आयोटा बी, सही है। जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिंपल तरीके से माइनस से माइनस का आयोटा बी, सही है मेरा बेटा। तो प्लस ए से देखो माइनस ए कैंसिल आउट, आयोटा बी नेगेटिव का आयोटा बी किसके बराबर आ जाएगा, नेगेटिव के टू आयोटा बी के। तो आपके पास आंसर क्या आया, आपके पास आंसर कैसा नंबर आ रहा है भाई, आंसर कैसा नंबर आ रहा है, एक इमेजिनरी नंबर आ रहा है। उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। और बहुत दफा ऐसे क्वेश्चन के अंदर से ये भी पूछ लिया जाता है कि बताओ ऑर्डर्ड पेयर क्या है, आपका आंसर क्या है, तो भाई आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 0.2b। अगर ordered pair form में आपको लिखना पड़ जाए, sorry, 0.-2b, answer क्या होगा इस question का, अगर आपको ordered pair form में लिखना पड़े। सर ये कैसे लिखा, भाई देखो तुम्हें आंसर क्या मिल रहा है, तुम्हें आंसर मिल रहा है माइनस का 2b आयोटा। अब देखो यहाँ पे रियल वाली रियल पार्ट की टर्म तो है नहीं, तो हमने रियल पार्ट खुद ही से एज्यूम कर लिया कि जीरो के बराबर है, तो मेरा ordered pair क्या आ जाएगा, 0.-2b, तो हमारा ये ordered pair की फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्लियर है मेरा बच्चा, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आप लोगों को जरा करवा दिया। इसी तरीके से एक दफा पेपर के अंदर इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था, ये आईबी के पेपर के अंदर क्वेश्चन आया था, आईबी के बीबी के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था, क्योंकि आईबी के बीबी के अंदर भी या सीबीएम के बीबी के अंदर भी या नस बिजनेस स्कूल के बीबी के अंदर भी रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत आता है। जैसे मैंने कहा कि भाई ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये इंजीनियरिंग साइड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये बिजनेस यूनिवर्सिटीज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक मैथ्स का टॉपिक कहलाता है ये। अच्छा, तो एक टॉपिक वहां पे एक क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ था, लेट सपोज 2 माइनस का 3 आयोटा और नीचे गिवन था 1 आयोटा। अब मेरा जो स्टूडेंट था ना वो मुझसे कहते हैं सर मैं तो परेशान हो गया, पता नहीं क्या करना है। मेरा दिल तो चाह के उसको बोलूं बेटा क्यों परेशान हो गया, तुम इंतहाई कोई जाहिल आवाम हो, तुम परेशान हो गए इतनी मेहनत करवाने के बाद भी, उसके पीछे रीजन है भाई, जब इतनी मेहनत करूं तो क्यों परेशान हो गए। अब देखो एग्जामिनर का तो काम है तुम्हें कंफ्यूज करना, मगर तुमने थोड़ी कंफ्यूज होना है। एग्जामिनर ने तुम्हें नीचे अगर आयोटा गिवन है तो जाहिर सी बात है मेरा बेटा ये क्या बन जाएगा, 2-3 आयोटा। नीचे इस आयोटा के साथ अगर कुछ भी नहीं है तो आप जीरो खुद से सपोज कर लो, जीरो खुद से सपोज कर लो, तो या तो इसको ऐसे सपोज कर लो जीरो प्लस आयोटा, और आप फिर डिवीजन के कॉन्सेप्ट यूज कर लो कि इस सिमिलर टर्म से कि सिमिलर टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड कराओ, तो रेशनलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सिखाया हुआ है,
क्या बन जाएगा ऊपर, जीरो माइनस का आयोटा से मल्टीप्लाई, जीरो माइनस आयोटा से डिवाइड, या तो इस कॉन्सेप्ट को यूज कर लो या फिर सिंपल आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो, दोनों सूरतों के अंदर क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को आप लोग घर पे बैठ के खुद से सॉल्व करेंगे, मेरी तरफ से होमवर्क है। मैंने आई होप क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया होगा। आपने कुछ भी नहीं करना है, डिवीजन में आयोटा आ रहा है तो सिंपल तरीके से आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो और उसके बाद क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवा दो। इस तरीके से आपके पास नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डिवीजन होती है उसकी मेन शर्त होती है कि नीचे आयोटा ना बचे, बाकी कोई भी आपके पास रियल टर्म्स आ जाए कोई मसला नहीं है। हमारे पास जो मेरा बेटा एक कॉन्सेप्ट आता है, ये कॉन्सेप्ट किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास एडिटिव इनवर्स का। किस चीज का कॉन्सेप्ट होता है मेरा बच्चा, बस ये लास्ट के दो फॉर्मुलाज हम पढ़ रहे होंगे, उसके बाद इंशाल्लाह क्लास को एंड करेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है एडिटिव इनवर्स का, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एडिटिव इनवर्स का। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अब ये कॉन्जुगेट से मिलती जुलती चीज है, इसलिए बहुत से बच्चे परेशान हो जाते हैं। मेरा बेटा लेट सपोज मैं आपके सामने एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दूं, मैं दोबारा से अपनी बात को रिकॉल करता हूं। कॉन्जुकेट क्या होता है, कॉन्जुकेट होता है आपने सिंपल तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का साइन कन्वर्ट करना होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने कॉन्जुकेट में क्या करना होता है, अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन कन्वर्ट करना होता है। व्हाइल एडिटिव इनवर्स के अंदर आपने अपनी दोनों टर्म्स का साइन कन्वर्ट करना होता है। एडिटिव इनवर्स में क्या करना होता है, दोनों टर्म्स का, रियल पार्ट का भी इमेजिनरी पार्ट का भी। तो बेसिकली एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि आप अपने क्वेश्चन के अंदर अपनी रियल पार्ट का भी साइन कन्वर्ट करोगे, अपनी इमेजिनरी पार्ट का भी साइन कन्वर्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं 2+3 iota, मैं आपसे कहता हूं कि आपको इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि आपको अपने दोनों टर्म्स का, रियल पार्ट का भी इमेजिनरी पार्ट का भी, दोनों का साइन कन्वर्ट करना है, बेसिकली एडिटिव इनवर्स। फॉर एग्जाम्पल -3+4 iota, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, अगर मैं आपसे कहूं कि पहले इसका एडिटिव इनवर्स निकाल लो, तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि आपने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर की दोनों टर्म्स का साइन कन्वर्ट करवाना है, आपने रियल पार्ट का भी साइन कन्वर्ट कर देना है और जो आपकी इमेजिनरी पार्ट आ रही है उसका साइन भी कन्वर्ट कर दोगे। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास इसके एडिटिव इनवर्स की। व्हाइल अगर मैं इसी क्वेश्चन का आपसे कहता हूं बताओ कॉन्जुकेट क्या होगा, तो बेटा कॉन्जुकेट होता है सिर्फ आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन कन्वर्ट करना है। तो इमेजिनरी पार्ट का साइन कन्वर्ट करोगे तो ऑब्वियसली प्लस से फोर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -3 iota। क्लियर है मेरा बच्चा? इसी तरीके से लेट सपोज अगर मैं आपके सामने लिख दूं एक कॉम्प्लेक्स नंबर 4.5 ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में, या 4.-5 ले लूं, अगर इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, दोनों टर्म्स का साइन कन्वर्ट कर देना, तो ये बन जाएगा -4+5। और अगर मैं आपसे कहता हूं इसका कॉन्जुकेट बताओ, इसका कॉन्जुकेट क्या होगा, इसका कॉन्जुकेट होगा सिर्फ इमेजिनरी टर्म का साइन कन्वर्ट करना, डेट विल बी +4.5। तो डेट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एडिटिव इनवर्स। के एडिटिव इनवर्स में आप क्या काम करते हो, आप रियल पार्ट का भी साइन कन्वर्ट कर देते हो और आप इमेजिनरी पार्ट का भी साइन कन्वर्ट कर देते हो। बहुत से बच्चे इस टॉपिक में कंफ्यूज होते हैं, तो भाई कॉन्जुकेट के अंदर आप सिर्फ इमेजिनरी टर्म का साइन कन्वर्ट करते हो, एडिटिव इनवर्स के अंदर आप रियल पार्ट का भी साइन कन्वर्ट करते हो और आप इमेजिनरी पार्ट का भी साइन कन्वर्ट कर रहे होते हो। इस लास्ट टॉपिक क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। ये लास्ट टॉपिक क्या होता है हमारे पास मेरा बेटा, इस लास्ट टॉपिक को हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, अगेन ये एक सेकंड लास्ट हम कह सकते हैं, एक बिल्कुल लास्ट प्रॉपर्टी कह सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, और इसका नाम क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये एक अलग मजे की चीज होती है, और इस ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है ना, बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, आपके पास क्या आ रहा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। लेट सपोज आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में ऐसे लिखा हुआ है, एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में। लेट सपोज आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में, वेयर एक्स इज द रियल पार्ट एंड वाई इज द इमेजिनरी पार्ट। तो अगर आपसे कहा जाता है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर कॉमा माइनस का वाई, ये माइनस फॉर्मूले का होता है, माइनस का वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। सो दिस इज बेसिकली द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फॉर्मूला। क्लियर है? अच्छा जरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ जाए 3.4, आपके पास क्या आ जाए 3.4, आपसे कहा जाता है कि भैया आपको क्या करना है, 3.4 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लेना है। 3.4 का क्या लेना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। कैसे लेंगे मेरा बेटा, इसका फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है कि देखो, जो रियल पार्ट है उसको एक्स कहते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको वाई कहते हैं। सिंपल कुछ भी नहीं करना है यार, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में आपने बेसिकली इस फॉर्मूले को यूज करना है। तो क्या बन जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर इज 9।
वाई, या प्लस का सिंबल होता है वाई का स्क्वायर यानी कि फोर का स्क्वायर कॉमा, फिर नेगेटिव का सिंबल होगा वाई वाली वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या है नेगेटिव का फोर, डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर यानी कि थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में इसका आंसर क्या आ जाएगा, थ्री डिवाइडेड बाय थ्री का स्क्वायर इज नाइन एंड फोर का स्क्वायर इज सिक्सटीन, नाइन प्लस सिक्सटीन इज बेसिकली ट्वेंटी फाइव, तो थ्री डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फाइव कॉमा नेगेटिव का फोर डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फाइव। तो बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा ये पर्टिकुलर टर्म, इस बेसिकली 3.4 का, इस 3.4 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा ये वाली टर्म होगी। तो इस तरीके से बेसिकली हम मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को फाइंड करते हैं, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं मेरा बेटा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को फाइंड कर रहे होते हैं। अब इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आया आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, लेट सपोज आपको दे दिया जाए 1, -2, आपको दे दिया जाए 1, -2, आपसे कहा जाए कि 1, -2 का बताओ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, कैसे सॉल्व करोगे मेरा बेटा, बहुत ही आसान तरीका है, सिंपल तरीके से जो पहली वाली टर्म है वो x है, दूसरी वाली टर्म क्या होगी y होगी, सही है ना। तो क्या बन जाएगा ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, नीचे होता है x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर फॉर्मूले का, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस नेगेटिव टू का स्क्वायर कॉमा, नेगेटिव का साइन यहाँ पे एक फॉर्मूले का होता है, सही है ना। वाई की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू की इतफाक से नेगेटिव टू आ रही है, तो नीचे भी क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस का नेगेटिव टू के 2 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर इज 1 एंड 2 का स्क्वायर इज 4, तो 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा मेरा बेटा 5 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 2 आ गया और 2 डिवाइडेड बाय 5 आ गया, यानी कि इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर का, इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर का आपके पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या आ रहा होगा, ये आ रहा होगा। तो भाई मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में कोई मुश्किल चीज नहीं होती है, बहुत आसान सी चीज होती है कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के अंदर आपने बेसिकली फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। तो अगर मैं अपनी जल्दी से बात कंक्लूड कर दूं, मैंने आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस करा है मेरा बेटा, आज की क्लास एक सबसे ज्यादा बिलियन डॉलर की क्लास है कि जिसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर समझा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन क्या होती है, सब्ट्रैक्शन क्या होती है, मल्टीप्लीकेशन क्या होती है, डिवीजन क्या होती है। सबसे पहले नंबर के ऊपर आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने तीन बातें समझी हैं कि मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद हम लोगों ने समझा क्या चीज, कॉन्जुकेट। कॉन्जुकेट क्या होता है जल्दी से रिपीट कर देता हूं, कॉन्जुकेट होता है मेरा बेटा अगर कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपने सिर्फ इमेजिनरी टर्म का साइन कन्वर्ट करना हो। उसके बाद हम लोगों ने समझा मॉडुलस, मॉडुलस क्या होता है यानी कि मैग्नीट्यूड ले लेना अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का, कैसे लेते हैं कि भाई अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। उसके बाद हम लोगों ने क्या समझा, उसके बाद हम लोगों ने समझा अल्लाह भला करे एडिटिव इनवर्स, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि उसके बाद हम लोगों ने एडिटिव इनवर्स समझा था, एग्जैक्टली उसके बाद हम लोगों ने एडिटिव इनवर्स समझा। एडिटिव इनवर्स क्या होता है मेरा बेटा, एडिटिव इनवर्स होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की दोनों टर्म्स का साइन कन्वर्ट कर देना। कॉन्जुकेट में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, व्हाइल एडिटिव इनवर्स के अंदर रियल पार्ट का भी साइन चेंज होता है और इमेजिनरी पार्ट का भी साइन चेंज होता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या समझा, उसके बाद हम लोगों ने समझा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो मेरा बेटा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला भी मैंने आपको डिस्कस कर लिया। आज के लेक्चर को इख्तिताम करने से पहले एक छोटा सा बस 2 मिनट का टॉपिक है आर्गन डायग्राम का, जो कि आपको लाजमी मालूम होना चाहिए। आर्गन डायग्राम का टॉपिक इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली आर्गन डायग्राम क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन किसी भी ग्राफ के ऊपर, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्राफ बनता है ना उसको आर्गन डायग्राम कहते हैं। या फिर बहुत सी मैथ्स की किताबों के अंदर अगर आप JEE की किताबें देखें या नीट की किताबें देखें जो इंडिया की किताबें होती हैं, या फेडरल बोर्ड की किताबें देख लें, वहां पे इस आर्गन डायग्राम का एक और नाम होता है। और इस वहां पे इस आर्गन डायग्राम का नाम क्या होता है, गॉसियन प्लेन। क्या कहते हैं इसको, गॉसियन प्लेन। बहुत से लोग इसको गॉसियन प्लेन भी कहते हैं, मगर इसका प्रॉपर नेम क्या होता है, गॉसियन प्लेन। ओके, तो हमारे पास यानी कि आर्गन डायग्राम क्या होती है, कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन ग्राफ के ऊपर करवाने को हम लोग क्या कहते हैं, आर्गन डायग्राम या फिर गॉसियन प्लेन। ओके, अब देखो लेट सपोज मैं आपके सामने एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं, मैं आपके सामने क्या ड्रॉ करूंगा मेरा बेटा, एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक्स एक्सिस की लाइन आ गई, ये वाई एक्सिस की लाइन आ गई, और यहाँ पे मेरे पास कहीं पे एक एक्स एक्सिस की लाइन आ रही है, सही है, हमारे पास एक वाई एक्सिस की लाइन आ गई, एक एक्स एक्सिस की लाइन आ गई। ओके, तो अब जरा गौर से देखिएगा, जाहिर सी बात है ये ओरिजिन का पॉइंट होगा, इधर मेरे पास नीचे नेगेटिव की वैल्यूज होंगी, -1, -2 एंड -3, सही है। इधर ऊपर क्या होगा, +1, +2, +3, भाई नॉर्मली जो पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई होता है। इसी तरीके से यहाँ पे
प्लस वन होगा, यहाँ कहीं पे प्लस टू होगा, यहाँ कहीं पे प्लस थ्री होगा, इसी तरीके से यहाँ पे नेगेटिव वन होगा, नेगेटिव टू होगा, नेगेटिव थ्री होगा। तो मैंने सबसे पहले आपके सामने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ गया, यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस आ गया, नेगेटिव वाई आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव वाई आ गया। बचपन से लेकर आज तक जो ग्राफ पढ़ते हुए आ रहे हो, मैंने भी सिर्फ ग्राफ ड्रॉ किया, कोई मुश्किल बात नहीं करी। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आपको आर्गन डायग्राम को समझना है तो आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है 2, -3, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है 2, -3, तो भाई ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में गिवन है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ रहा है 2 - 3 iota। तो भाई इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर को, इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर को आप आर्गन डायग्राम पे कैसे ड्रॉ करोगे? हमेशा ये बात याद रखिएगा, हमेशा ये बात याद रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर या आर्गन डायग्राम जो होती है, या कॉम्प्लेक्स नंबर की जो रिप्रेजेंटेशन होती है, उसके अंदर जो एक्स एक्सिस वाली लाइन होती है, या एक्स एक्सिस वाली जो भी प्लेन होता है, उसको हम कहते हैं रियल एक्सिस। क्या कहते हैं मेरा बेटा? रियल एक्सिस। और जो भी y एक्सिस वाला प्लेन होता है, इसका एक और नाम क्या होता है? इमेजिनरी एक्सिस। क्या होता है? इमेजिनरी एक्सिस। ये दो चीजें आपको लाजमी मालूम होनी चाहिए। तो अब लेट सपोज मुझे ये पॉइंट ड्रॉ करना है 2, -3, कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ रहा है 2, -3, यानी कि रियल एक्सिस के ऊपर रियल नंबर क्या है 2, तो रियल नंबर के 2 पे जाऊंगा। और कहां पे जाना है मुझे आगे? -3 पे। कहां पे जाना है मुझे आगे? -3 पे, यानी कि रियल नंबर के 2 पे गया और यहाँ पे क्या है? इमेजिनरी एक्सिस का -3। तो मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा होगा इधर कहीं पे आ रहा होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो आ रहा होगा इधर कहीं पे आ रहा होगा। क्लियर है मेरा बेटा? इसी बात को एक और एग्जांपल समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास अल्लाह वाला करे एक पॉइंट है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है -3, +4 iota। बेटा ये नस साइड पे, फास्ट साइड पे पूछा जा चुका है कि आपको कहा गया होता है कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया गया और नीचे चार ऑप्शंस हैं, कहता है कि बताओ कौन सी आर्गन डायग्राम इसकी सही है। तो मेरा बेटा देखो, लेट सपोज आपको मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि भाई आपकी वारी के अंदर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं -3, +4 iota। इसका पॉइंट क्या बन रहा होगा ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में? इसका पॉइंट होगा -3, 4। तो भाई -3, 4 कौन सा, कैसे निकालोगे? देखो जो रियल पार्ट वाली टर्म है उसको रियल एक्सिस पे लिखना है, रियल एक्सिस पे क्या कह रहे हैं? -3। तो यानी कि यहाँ पे कहीं पे हो गए -3 वाला ये रहा, और y एक्सिस यानी कि इमेजिनरी एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है? 4। तो -3, 4 यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा होगा, यानी कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये पॉइंट यहाँ पर कहीं पे होगा। तो आपको आई होप कि चीज अब इजिली क्लियर हो गई होगी। तो भाई ये बिल्कुल आसान सी चीज होती है, जिस तरह बचपन के अंदर एक्स और वाई एक्सिस का प्लेन ड्रॉ करते थे ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का, बिल्कुल वैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है। क्या कॉन्सेप्ट होता है कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी अगर आप ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हो तो ग्राफ पे जो प्लॉट करने का अमल होता है, उस अमल को हम क्या कहते हैं भैया? आर्गन डायग्राम कहते हैं, या फिर इसका एक और नाम भी होता है, और इसका एक और नाम क्या होता है? गॉसियन प्लेन या गॉसियन प्लेन। क्या एक और नाम होता है? लोग इसको गॉसियन प्लेन भी कहते हैं या फिर गॉसियन प्लेन भी कहते हैं। और ये बहुत ही मजे का अमल है, इसमें कुछ भी नहीं करना, बस आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो प्लेन होगा यहाँ पे वो क्या कहलाएगा? रियल एक्सिस, यानी कि रियल नंबर्स का एक्सिस। और जो वाई एक्सिस के अलोंग आपका प्लेन होता है उसको हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी एक्सिस प्लेन। तो आपने उसके हिसाब से ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म के पॉइंट को, इमेजिनरी अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को उठा के यहाँ पे पुट करना होता है। तो फाइनली हमारे पास आज की क्लास यहाँ पे एंड होती है। आई होप आपको पूरी क्लास क्लियर होगी, ये पूरी क्लास आपके तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे, तो हम इसी बात पे इस लेक्चर को फाइनली एंड कर सकते हैं। तो मेरा बेटा हमने आज की क्लास में क्या क्या सीखा? आज की क्लास हम लोगों ने सबसे पहले सीखा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, हमने सबसे पहले क्या सीखा? कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक ऑपरेशन सीखे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जो ऑपरेशंस डिफरेंट परफॉर्म हो रहे होते हैं वो कैसे होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाले। उसके बाद हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज अभी सीखी हैं, अभी असल वाली प्रॉपर्टीज नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे। तो अभी हम लोगों ने बेसिक प्रॉपर्टीज सीखी है कॉम्प्लेक्स नंबर की। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कॉन्जुकेट क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है, हमारे पास एडिटिव इनवर्स क्या होता है, हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, हमने तमाम बातें सीखी। और लास्ट के अंदर हमने सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर किया आर्गन डायग्राम का या फिर गॉसियन प्लेन का। क्लियर है मेरा बेटा? यहां तक की बात अगर तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर होती है तो बेटा कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लाजमी बताइएगा, क्योंकि बेटा जब इतनी मेहनत कर रहा हूं तो मुझे कमेंट सेक्शन
में, अगर आपको बात क्लियर है मुझे तब भी रिप्लाई चाहिए, अगर बात नहीं क्लियर मुझे तब भी रिप्लाई चाहिए। लास्ट में एक छोटी सी बात आप लोगों से कहूंगा कि भाई आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे, मेरी ये दुआ है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं अल्लाह पाक आपको उसमें कामयाबी दे, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और इस लेक्चर को अपने तमाम जानने वालों से जो भी यूनिवर्सिटी की तैयारी को लेकर परेशान है, चाहे वो कोचिंग सेंटर की फीस अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, आपने उन तक लाजमी इस लेक्चर को पहुंचाना है। इल्म को आगे पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, इल्म को अपने पास रख के सड़ाने वालों से मुझे शदीद नफरत है और हर एक को नफरत होनी चाहिए। तो यहीं पर इस लेक्चर का इख्तिताम करता हूँ, उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे और अपने आने वाले टेस्ट के अंदर इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर से स्कोर करेंगे। जजाक अल्लाह, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।